हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं ओला S1 एयर का रेंज टेस्ट, वो भी स्पोर्ट्स मोड पर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी नॉर्मल मोड पे, इको मोड पे रेंज टेस्ट ओला S1 एयर का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। बट आज हम बनाने वाले हैं ओला S1 एयर का रेंज टेस्ट, वो भी स्पोर्ट्स मोड पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ट्रिप मीटर दिखा रहा है, गाड़ी 320 किलोमीटर चली हुई है और गाड़ी हमारी 100% चार्ज है। तो चलिए देखते हैं कि अब कितना ये स्पोर्ट्स मोड पर रेंज टेस्ट देगी। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो काट काट कर जल्दी जल्दी बनाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड पर हमारी गाड़ी चल रही है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा रेंज टेस्ट मैंने सिटी पे बनाया है, यानी कि सिटी की सड़कों पर घूम के बनाया है। मैं हाईवे पर नहीं गया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि सिटी पर कितनी रेंज दे सकती है ये स्पोर्ट्स मोड पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्पोर्ट्स मोड है और स्पीड वही सिटी के रेंज के हिसाब से चल रही है, 38, 39, 40 किलोमीटर, कभी कभार 50 भी गई है फ्रेंड्स, बट इतनी ही रेंज मेरी है। आप देख सकते हैं बैटरी है 94% इस टाइम बैटरी है और स्पीड देखिए 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली गई। एंड स्पोर्ट्स मोड पे दोस्तों मैंने स्पीड टेस्ट डाल रखा है, स्पोर्ट्स मोड पे जो टॉप स्पीड चली जाती है वो चली जाती है हमारी, और 91 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड चली जाती है दोस्तों, 90-91 ऐसे चलती रहती है स्पोर्ट्स मोड पर। ये देखिए दोस्तों, 93% बैटरी रह गई है और स्पोर्ट्स मोड पर हमारी गाड़ी बहुत ही स्पीड से जाती है दोस्तों, एक्सेलरेशन कमाल का रहता है, पिकअप कमाल का रहता है, मतलब अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको सोचना नहीं पड़ता है दोस्तों। स्पोर्ट्स मोड बहुत ही कमाल का है ओला S1 एयर का, इसमें सबसे ज्यादा मजा जो गाड़ी चलाने में आता है दोस्तों वो स्पोर्ट्स मोड पर ही आता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, 85% हमारी बैटरी रह गई है और ट्रिप मीटर दिखा रहा है 332 किलोमीटर। तो जब हम स्टार्ट हुए थे तो ट्रिप मीटर हमारा था 320, अब हमारा दिखा रहा है 332 किलोमीटर और बैटरी हमारी खर्च हो चुकी है 15%, यानी कि 85% हमारी बैटरी दिखा रहा है। सिटी के लिए दोस्तों इसमें दो ही मोड सबसे बेस्ट है, स्पोर्ट्स मोड है, नॉर्मल मोड। देखिए, नॉर्मल मोड इसका सबसे बेस्ट है, जिस पे हमने रेंज टेस्ट किया था तो हमें 84 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिली थी। अब देखते हैं स्पोर्ट्स मोड पर कितनी मिल सकती है दोस्तों। एंड इको मोड पर भी मैं इसका रेंज टेस्ट बना चुका हूँ। तो ये फ्रेंड्स रात का सीन आ गया है, आप देख सकते हैं 333 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और 83% बैटरी रह गई है। क्योंकि मैं सिटी में घूमता रहा तो फ्रेंड्स, जब मेरा मन तब मैंने गाड़ी स्पोर्ट्स मोड पर लगाई, तभी ऑन की, तो पूरा रेंज टेस्ट स्पोर्ट्स मोड पर ही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिप मीटर अब हमारा दिखा रहा है 343। और फ्रेंड्स 60% बैटरी हमारी रह गई है, ट्रिप मीटर हमारा दिखा रहा है 349। तो 60% बैटरी रह गई है दोस्तों और 349 ट्रिप मीटर दिखा रहा है। 320 पे जब ट्रिप मीटर था तब हम यहां से, मतलब अपनी गाड़ी से चले थे दोस्तों स्पोर्ट्स मोड लेकर। एंड स्पोर्ट्स मोड की दो तीन खासियत और भी है दोस्तों, स्पोर्ट्स मोड पे हमें जब ओवरटेक करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, बहुत ही कमाल का एक्सेलरेशन हमें इसमें मिल जाता है। बट जैसे ही आप ओवरटेक करेंगे बैटरी बहुत तेजी से खर्च होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगर आपकी डेली का आना जाना मैं मानता हूँ 50 किलोमीटर के अंडर है, तो स्पोर्ट्स मोड पर आप आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं, आपको बहुत ही आनंद में राइड मिलेगी, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों स्पोर्ट्स मोड पर। और ब्रेकिंग सिस्टम इसके दोस्तों ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 354 किलोमीटर का मेरा ट्रिप मीटर दिखा रहा है और 50% बैटरी हमारी रह गई है पूरी 50%। तो 100 से 50% पे बैटरी जब हम चले थे तो ट्रिप मीटर 320 दिखा रहा था और अब ट्रिप मीटर 354 दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम 354 को 320 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 34 किलोमीटर की रेंज मिली है हमें 100 to 50% की। और अगर हम इसको दुगना कर देंगे दोस्तों तो ये हमें मिलेगी 68 किलोमीटर की हमें रेंज मिली है दोस्तों इसके स्पोर्ट्स मोड पर, वो भी 100 to 0% की साथ। तो फ्रेंड्स मैं मानता हूँ कि 68% वो भी इसके स्पोर्ट्स मोड पर ठीक ठाक रेंज हमें मिली है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने इसका नॉर्मल मोड पर रेंज टेस्ट बनाया था तो उसमें सिर्फ हमें 84 किलोमीटर की रेंज मिली, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि 50 से 55 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, बट इसमें हमें 68 किलोमीटर की रेंज मिल गई है दोस्तों।
है। तो फ्रेंड्स ये जो रेंज टेस्ट है हमारा ये पूरा सिटी पर है, हाईवे पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर मौका मिला तो मैं हाईवे पर भी जरूर आपको रेंज टेस्ट बनाकर दिखाऊंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।